मुझे बहुत हंसी आ रही है इसके बारे में. सबको आई मीन कैसे टफ फाइट देने वाली हूँ मैं अभी कैसे बताऊँ. प्रिपरेशन तो प्रिपेयर तो मैं अपने आप को अच्छा सा खाना खा के ले रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे क्या खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कितनी नींद मिलेगी पता नहीं, तो मैं उसमें ऐसे पूरी एनर्जी ले रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ बहुत खा रही हूँ, बाकी वहाँ देखा जाएगा क्या होना है. शिल्पा जी, आपने खतरों के खिलाड़ी में इस सीज़न ही जाना क्यों सोचा, क्योंकि आपको पहले भी कई ऑफर आए होंगे खतरों के खिलाड़ी के? क्या बताऊँ, शायद ये किस्मत में मेरी यही सीज़न था कि और 14 सीज़न शायद मुझे ही जीतना हो इसीलिए मैं जा रही हूँ. खतरों के खिलाड़ी में जाकर आप कौन सा डर अपना दूर करना चाहेंगे? अभी मैं कैसे बताऊँ कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और किस चीज़ से नहीं लगता, मगर ठीक है मैं डर आई मीन खत्म, सारी रियलिटी शोज मैंने कर लिए खत्म हो गया. कोई ऐसा एक फोबिया होगा किसी चीज़ का? एक्चुअली मैं अभी नहीं बता सकती कि ऐसे, सच बताऊँ तो कोई फोबिया नहीं है मुझे, मगर वहाँ पर सिचुएशन कैसी है हमें किसी को भी नहीं पता कि अंडर वाटर क्या सिचुएशन है. वाटर टास्क होते हैं, आप अगर हाइपर होते हो तो आप गड़बड़ करते हो, फिर आपको फोबिया हो या नहीं हो. अभी हाइट का मुझे फोबिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ कितनी हाइट होगी मैं बता नहीं सकती ना, कि हाइट मतलब ऐसे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी वहाँ पे, मैं कुछ नहीं अज्यूम कर रही. कल भी हमने आपसे बात किया और आज भी बात किया, तो उससे ये लग रहा है कि आपने उतनी प्रिपरेशन मीन्स फिजिकली उतनी नहीं की आपने, आप जैसी वैसी जा रही हो, बट मेंटली काफ़ी ज़्यादा फिट होना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारे इंसेंट्स मिलेंगे आपको, हाइट स्ट्रीम काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, तो किस तरह से आप मेंटली फिट हो रही हो? सी बेसिकली वही होता है कि आप मेंटली फिट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि सब कुछ यहाँ से होता है. आप यहाँ से ही सोचते रहोगे कि मुझे डर लग रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, इसलिए मैंने हाँ बोला है मैंने शो को, तो मैं बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को लेके जाती हूँ, गो विद द फ्लो, जो भी होगा देखा जाएगा. यू नो शिल्पा जी, आपके प्रीवियसली भी जो भी शो थे जैसे चिड़िया घर या फिर भाभी जी घर पर, वो जो आपका परफॉर्मेंस था उसमें लोगों को अभी तक याद है, ऐसा लग सकता है कि खतरों के खिलाड़ी में जब आप जाओगे जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो लोगों तक अब रहेगा आगे भी जाएगा? आई विश, मुझे ऐसा लगता है. सी वही होता है कि जो मैंने कुछ खतरों के खिलाड़ी देखे, जैसे कि मैंने दिव्यांका त्रिपाठी का सीज़न देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लोग भी इवन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जो इस तरह की पर्सनालिटी है वो इस तरह की सारी चीज़ें कर जाए. तो वही होता है ना कि सीज़न कंटेस्टेंट जो होते हैं उनके नाम से पहचाना जाता है, तो मुझे अभी वो जैसे कि वो विनर नहीं बनी थी क्योंकि वो टाइमिंग या जो भी कोई चीज़ें होती है तो वो उस हिसाब से, लेकिन फिर भी वही वो चीज़ बेस्ट हो इस सीज़न में, अगर मैं जा रही हूँ तो कुछ अलग हो, कंट्रोवर्सी नहीं हो प्लीज़, ऐसे मैं विश कर रही हूँ कि कुछ अलग हो, क्योंकि हम जा भी रहे हैं अलग जगह पे, रोमानिया जा रहे हैं हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, शायद हमें तो लग रहा है कि हमें वेकेशन के लिए लेके जा रहे हैं. शिल्पा जी, आपके साथ काफ़ी सारे को कंटेस्टेंट्स भी होंगे, तो क्या आपने उनके बारे में कुछ सुना देखा या कुछ पढ़ा है कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें? मुझे कृष्णा श्रॉफ है, वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो फिटनेस उनकी है उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है. वो वैसे देखा जाए तो सारे कॉम्पिटिटर है बहुत अच्छे, आई मीन लग रहे मुझे स्ट्रॉन्ग है. निमृत ने मुझे कहा मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये तो फेक है क्योंकि उसकी खुद की हाइट बहुत अच्छी है, झूठ बोल रही है. मैंने कहा ये ऐसे गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने सोच के आया है कि मैं ये कर जाऊँ जो मैं बोल रही हूँ, सभी लोग आपस में बोल रहे होंगे, तो डर तो सबसे लग रहा है ऐसे तो देखा जाए तो. आई मीन वही स्टंट्स से ज़्यादा मुझे कंटेस्टेंट से ही डरना चाहिए बेसिकली.
आपने कहा था कल कि आपको हीना खान वाला सीजन और हीना खान का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो एज अ चैलेंजर हीना खान अगर आपके शो में आती है तो क्या आप उनके साथ कम्पीट करना आप पसंद करोगी? हाँ ठीक है, आई मीन देखो अभी उनके शो में उन्होंने अच्छा कर लिया था, ऑब्वियसली अच्छा किया था, बट अभी ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जाने दो, मैं ये बोलती हूँ थी विनर विनर होता है ऐसे, तो मैं भी वही सोचती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, मैं बेस्ट करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ। क्या आपको लगता है आपको काफ़ी प्रेशर है क्योंकि आप ऑलरेडी एक बड़ा शो आपने जीता है और अब यहाँ पर भी कई सारे रनर अप्स भी आने वाले हैं? रनर अप्स ना तो आसिम रियाज आ रहा है। अच्छा तो सही कहा, रनर अप्स। ओके तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थे वो, तब बाद में अभिषेक एक मैं वो भी कह रहा हूँ, तो समृत है, तो मतलब काफी ये सब मतलब बिग बॉस वाले हैं, तो बिग बॉस वाले बिग बॉस ना हो जाए उधर में। ये सही पकड़ा, ये सही, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये सीजन ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेचारे रोहित सर बोलेंगे ये बिग बॉस हो रहा है या खतरों के खिलाड़ी हो रहा है, आई डोंट नो। ऐसा मुझे कोई याद तो नहीं, मुझे हर स्टंट मतलब जैसे कि काफ़ी सारे जैसे चॉपर से उतरने के या वो जो स्टंट्स होते थे नीचे पानी होता है और पता है कि नीचे गिरेंगे तो कुछ चोट नहीं आएगी या सारी सेफ्टी है, फिर भी वो जिस तरीके से दिखता है वो डरावना दिखता है, एक्चुअली दिखता दिखने में तो डरावना हो, इतना डरावना दिखता है तो वहाँ पर करने में कितना होगा, वो तो ड्यूप तो नहीं है ना, जैसे फिल्मों में शूटिंग में यूज़ हो रहा है वो तो पता चल रहा है कि आर्टिस्ट खुद है, तो थोड़ा है डर तो है। रोहित शेट्टी के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट है तो कितना एक्साइटेड है आप उनके साथ काम करने के लिए? हूँ ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं उनकी डांट वाट ना सुनूँ या सुनूँ नहीं, सुन सकती हूँ गलत किया मैं डांट ना खाऊँ उनसे, आई मीन वो कोशिश रहेगी। तो उसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उधर टास्क स्टार्ट होने के बाद भी लोग रोहित सर की बात नहीं सुनते, वो फिर क्योंकि उनको नहीं करना था तो वो टास्क नहीं करते, रोहित सर कितना भी बोले मोटिवेट करे कुछ भी करे, तो आप वो डांट से बचना चाहती हो कि आप टास्क कंप्लीट करके आओगे? और लास्टली अवार्ड पे भी क्या आप कहना चाहोगी? अरे आओ तो वही उस स्टंट पे उस सिचुएशन पे पता चलता है, हाँ मैं डिंगे मारूँ नहीं नहीं मैं उनको नाराज़ नहीं करूँगी, वहाँ क्या सिचुएशन होगी मुझे क्या पता, हार्ट अटैक आ रहा होगा तो क्या रोहित सर की सुनूँ कि आने दो हार्ट अटैक मर जा, हिस्ट्री हो जाएगी कि काम का सीजन नीट हो जाएगा मैं निकल लूंगी। देखो कि कदी चांस रहे, ये क्लिप आप बार बार चलाओगे, शिल्पा ने ये बोला था आप अपनी टीआर भी बटोर लोगे, मैं तो ऊपर फोटो पे कलर्स बरसेंगे ना मेरे ऊपर। शिल्पा जी जैसे कि लोग बड़े-बड़े हिट शो देने के बाद लोग ट्राई कर रहे हैं ओटीटी पे या फिर लोग मूवीज पे जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपने ट्राई नहीं किया या फिर आपको जमा कि नहीं मैं रियलिटी शो में जाना पसंद करूंगी? नहीं नहीं जो भी आता है आन दो, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। आ जाए यार कोई तो शो पूछे मुझे मैं कर लूंगी। शिल्पा जी अगर हम बात करें जैसे कि आप विनर है तो क्या बिग बॉस के कहा जा रहा है कि सलमान खान होस्ट नहीं कर सकते हैं कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण बिग बॉस ओटीटी, तो क्या आप होस्ट करना पसंद करेंगे बिग बॉस? नहीं बाबा मैं उनका ये क्या सवाल करना पसंद करेंगे आप लोग मतलब विनर लोग कोई सब लोग नहीं वो उतनी उस जगह पे अभी तक मुझे नहीं लगता पहुंचे हैं, सो वो उन्हीं की जगह है एक्चुअली। ओके एक्सटर्न करना बहुत बड़ी बात है लेकिन क्या आप हंसाएंगे लोगों को वहां पर, जैसे कि हमने देखा कि राजीव था खतरों के खिलाड़ी में काफी हंसाता था,
तो क्या आप कुछ अलग तड़का लगेगा जहाँ पर ज्यादा स्क्रीन दिखाई दे? नहीं, वो तो स्टंट मुझे पता नहीं राजीव ने स्टंट्स किए भी है या नहीं, मतलब वो सॉरी मैंने नहीं देखा। हाँ लेकिन वो कैरेक्टर ही अपने आप में फनी है, हम बहुत हंसाता था, मतलब हाँ, तो स्टंट्स नहीं करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बात करेंगे तो हंसी आ जाएगी ऐसे है तो नहीं। मैं देखो मैं बहुत रियल हूँ, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है, जो जो रियल आएगा वही मैं पर्पसली, कैमरा मुझे फॉलो करे ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बस रियल रहूँगी। शिल्पा जी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि अपने साथ लकी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो ऐसा कोई लकी चीज़ आप अपने साथ लेकर जा रही हैं कि हाँ स्टंट अच्छा हो जाए या फिर ऐसे कुछ कोई लकी एक चीज़ आपके लाइफ में? नहीं, मैं खुद ही अपने लिए लकी हूँ, दूसरों के लिए लकी हूँ, खुद के लिए पता नहीं। ओके लाइक लास्टली बाकी जो कॉम्पिटिटर है आपको उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? हाँ, खतरा आ रहा है, बच के रहो। अच्छे से एंटरटेनमेंट नहीं थक गई हो इसलिए। शिल्पा जी इधर, शिल्पा मैम, खतरों की क्वीन, खतरों की रानी। अभिषेक है आसिम तो हाँ वाह 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 ये मत दिखाना प्लीज मत प्लीज मत कर दो। और वो चिंचिं स्वीट मुझे पूछा जा अरे एक्जेक्टली आई मीन चिंटू भैया भी हो चिंटू जो बिग बॉस में ना ईशा समर समर वो तो बहुत मस्ती करेंगे, बहुत फनी है वो, मस्त है एकदम, अच्छा दिल सीरियसली मस्त है। लोग साथ में थे वीजा करने गए थे तो आप भी करवा रहे होंगे। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी